ये मेरा फर्स्ट टाइम कैंपिंग एक्सपीरियंस था, बहुत सी चीजें हैं वो सीखी हैं। तो 10 दिन हो गए मेरे को मनाली में यहाँ पे अश्विन भैया के घर पे रहते हुए और मैंने आपको अभी तक आंटी से नहीं मिला है। हेलो आंटी। हेलो, क्या हाल चाल है? पूरे हिमाचल में, मतलब हिमाचल क्या, पूरे ऑल इंडिया में फेमस है मेरे को लगता है। ऑल इंडिया में घी में डिप करो, ठीक है? और ऐसे ऐसे घी में डिप करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, भाई साहब अभी उठ चुके हैं। उठ चुके हैं क्या, मतलब अभी तो इधर ही हैं। ये देखो, हाँ जी, हाँ, ये तो सो गए। चलो, रात को नींद काफी बढ़िया आई है। आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं किसी ने देखा नहीं वैसा रूप मेरा। ये देखो जी, क्या बात है, खुले बाल। और निकलेंगे बाहर और दिखाते हैं आपको बाहर के सीन्स। बस बढ़िया भाई साहब, इन्होंने देखो सुबह ऐसा है कि रात को मैं आपको दिखा नहीं पाया प्रॉपरली कि क्या जगह है और क्या, तो अभी आप सुबह देख सकते हैं। ये हमारे 2 टेंट्स आ गए, उसके बाद ये हमारी जिप्सी आ गई, यहाँ पे कुछ पानी वानी का सेटअप आ गया। बाकी रात को नींद तो बढ़िया आई है और अभी थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, तो अभी पी लेंगे गर्म पानी। कुछ ना, मैं आपको छोटी मोटी डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे ना हमारे वाला टेंट है, ये आपको दिख रहा है जैसे ऊपर से ना ये बिल्कुल ड्राई ही है और ये कुछ ऐसे डस्ट से दिख रही है, लेकिन अंदर से ये गीला है। ये जो भी है ओस ही है लेकिन गीला है। और इनका टेंट ना गीला नहीं है, इसमें ये है क्योंकि इसके ऊपर हमने ये एक लेयर चढ़ाई थी रात को, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो वो एक बेस्ट पार्ट है। खाने वाने के लिए ये छोटा सा सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं, इसके ऊपर हाँ बर्नर सा लगा है और ये फ्राई पैन भी है हमारे पास। तो बाकी तो ठीक है, ठंड उतनी ज्यादा नहीं है, रात को वहां हमने आग जलाई थी। ये मेरा फर्स्ट टाइम कैंपिंग एक्सपीरियंस था, मैं बढ़िया से मैं शूट भले ही नहीं कर पाया हूँगा लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था और मैंने बहुत सी चीजें हैं वो सीखी हैं, तो यही चीजें नेक्स्ट काम आएंगी। चलिए फिर, अभी तो देखते हैं चाय वाय पीते हैं। चाय स्लीपिंग बैग पैक हो रहे हैं और ये देखो मेरा वाला स्लीपिंग बैग तो सूखा था, तरुण भाई का देखो गीला नीचे। नहीं तो मैं टच हो गया ना उसके साथ साथ में। आप बिल्कुल ही नीचे सोए हुए थे। फिर अभी हम लोग धो रहे बर्तन, ये देखो तरुण भाई हो गए लग गए। बर्तन बर्तन हमने धो लिए हैं, लगभग सब कुछ पैक कर दिया जो हमारा सामान था। फाइनली टेंट पैक करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। हेयर स्टाइल वगैरह इग्नोर कर दीजिएगा। देखो भाई, जैकेट पैक करने की भी ना टेक्निक होती है। अच्छा, ये एसी की हुड में ही आ गई, क्या बात है। ये देख सकते हैं आप, ट्रैकिंग में इस तरह से होती है पैक जैकेट। और अभी हमें सीखने को बहुत कुछ है। तो भाई जिप्सी हो चुकी है पूरी तरीके से लोड, तो बस अब यहाँ से निकलेंगे। रास्ते की हालत देख सकते हो आप लोग, अब है जो सही वाली चढ़ाई शुरू हुई है। देखने में भले नहीं लग रहा होगा बट बहुत ज्यादा है, इधर तो खड़े होना भी रिस्क है, खड़े भी कहाँ होना। अभी एक और चढ़ाई चढ़ेंगे, रास्ता काफी खराब है भाई, पर यहाँ फिर भी खड़े होने की जगह है एटलीस्ट मेरे पास ना, वहां तो जगह ही नहीं थी। तो यहाँ से ना पानी भर लेंगे। हाँ।
यहाँ पे आपको शेरू दिख रहा है। यार अब काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया तो अब चलते हैं अंदर ही, क्योंकि दौड़ने में ना दिक्कत हो रही है। अब दे दो, हमें काट दिया तो लो जी अभी खाएंगे एप्पल। एन एप्पल डे, एप्पल डे, कीप द डॉक्टर अवे। बट अगर डॉक्टर लड़की होगी ना तो एप्पल नहीं खाना, वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। और लगभग ये यहाँ का फाइनल शॉट है। फिलहाल पहुंच चुके हैं ओल्ड मनाली वापस। कमर में हो रही है थोड़ी सी दर्द, सामान वगैरह हमने छोड़ दिया है हॉस्टल में। तो भाई हालत खराब है। नहीं तो अब हमारा क्या प्लान, हम कहाँ जा रहे हैं? हम घर सोने जा रहे हैं, आज रेस्ट करेंगे पूरी। ऐसा फिलहाल हमने विकास भैया को छोड़ दिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। इधर अभी करेंगे हम लोग लंच, देख सकते हैं आप सैंडविच वगैरह आ चुके हैं, तो लंच में भी सैंडविच खाते हैं हम लोग, है ना। नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश हो गए हैं, वापस आए थे थोड़े थके हुए थे। हाँ जी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया और लगभग ये आपको दिख रहे हैं 3:30 हो गए हैं और 8 बजे हमें वीडियो पब्लिश करनी है, तो अभी बैठ के करेंगे वीडियो एडिट। दो दिन के व्लॉग सारे मिक्स हो गए, वो टूट ज्यादा कर लिया तो वो दिक्कत हो गई है। पहले आज की वीडियो तो एडिट कर लेते हैं। तो भाई साहब ये छोटू यहाँ आ चुका है, पहले इधर आओ, पहले बताओ आपका नाम क्या है? मामू। नहीं है भाई, ये बहुत शरारती है छोटू, देखना अश्विन भैया का भांजा है। और नाम क्या है इसका, नाम तो बताया नहीं था। हेलो, अपने दोपहर का व्लॉग तो देख लिया, लेकिन इस टाइम के लिए मैं अभी तक वेट कर रहा था, क्यों? क्योंकि आज बन रहे सिड्डू। तो आपको पता है तो अलग बात है, नहीं पता तो हिमाचल की सबसे फेमस डिश है सिड्डू। तो 10 दिन हो गए मेरे को मनाली में यहाँ पे अश्विन भैया के घर पे रहते हुए और मैंने आपको अभी तक आंटी से नहीं मिलाया। हेलो आंटी। हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया। वैसे तो हमने हाल चाल सुबह ही पूछ लिया था, लेकिन अभी व्लॉग के लिए फिर से पूछना पड़ता है। तो आज आप हमें सिड्डू बना के खिलाने वाले हो ना? स्पेशली सिड्डू बन रहे हैं। ये क्या क्या है, जैसे प्याज, अखरोट, ठीक है, ये पोस्त जो खसखस बोलते हैं ना इसको, अच्छा, लहसुन, अदरक, मिर्च, ठीक है, ये आटा गूंदा हुआ, ठीक है, अभी सब मिक्सी में जाएगा, इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका पेस्ट बनेगा, ठीक है, फिर इस पेस्ट को इसके अंदर भरेंगे हम, ठीक है, फिर इसमें स्टीमर में स्टीम करेंगे, ठीक है, ठीक, उसके बाद तैयार होके फिर खाएंगे घी के साथ, प्योर गाय का घी। ओके, हिमाचल में सबसे फेमस है ना पूरे तो... हिमाचल में, मतलब हिमाचल क्या, पूरे ऑल इंडिया में ही फेमस है मेरे को लगता है। ऑल इंडिया में जैसे ना, मैंने भी सिड्डू का बहुत नाम सुन रखा है लेकिन कभी खाया नहीं। पूरा तैयार होगा फिर पता चलेगा। जुड़वा बहन से मिला हूँ, तो ये दीदी है, क्या कोई और लैंग्वेज में बोलता है, अच्छा समझ आती है तो आप अच्छा पोस्त वाली, इसमें सब कुछ ही डाल दिया ना? नहीं अभी बाकी, इसमें जो अदरक प्याज था, अच्छा ठीक, बाद में मिक्स करेंगे। नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मतलब जो भी मसाला आप डाल सकते हैं वो सारा डाल के मिक्स कर दिया। सारा मिक्स करके पेस्ट बनेगा इसका। तो अभी ना मोनिका दी भी हेल्प करेंगे स्टफिंग करने वाले, अब ना कोशिश करूंगी मैं, एग्जैक्टली तो नहीं बनते उनसे, फैलाना ताकि मतलब खाने में ना चारों तरफ से आ जाए। हाँ नहीं तो एक ही उसमें आ जाएगा बाइट में सारा। इस कॉर्नर को ऐसे प्रेस करके, अच्छा ये डिजाइन भी बनाना है इसके ऊपर, अलग अलग तरीके से अलग बनाते हैं ना, ऐसे मोड लेना, पहला सिड्डू रेडी। आंटी डिजाइन तेज डाल लेते हो आप, एक्सपीरियंस भाई। तो ये हो गया हमारे दो सिड्डू रेडी, मेरा ज्यादा क्लीन है। हाँ ये आपका क्लीन है, विजिबल है, आओ आप भी बनाओ। मैं तो खाने वाला। अच्छा, जम्मू का फेमस क्या है? जम्मू में तो राजमा चावल ही है फेमस। जम्मू में वो है क्या होता है उसको, कलाड़ी कुलचा, कश्मीरी रोटी। नहीं वो भी तो नहीं, नहीं वैसे तो बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन मैं राजमा, यार मैंने जम्मू में कश्मीरी रोटी खाई है। अभी ये तीनों डालेंगे, स्टीमर ही होता है, स्टीमर में पहले इसको ग्रीस करते हैं, अच्छा, ताकि वो चिपके ना। वो कर दिया? हाँ वो कर दिया, सेम प्रोसीजर है मोमोज का भी, 10 मिनट में रेडी हो जाएगी। अच्छा 10 मिनट में, इसके बाद आपकी और बनाएंगे, क्या दिखाते हैं 10 मिनट बाद। ओके, तो ये देख सकते हैं आप सिड्डू हो गए हैं रेडी। तो ये अश्विन भैया ने काट के दे दिए मेरे को इस तरह से। तो एक्चुअली क्या हुआ था,
हम कहीं चले गए थे ना, मार्केट चले गए थे, मार्केट चले गए, मिल गया था हमको, मिलने बैठ गए, हाँ तो इसलिए लेट हो गए। तो ये अभी घी के साथ देख लो, ये सिड्डू खा, ऐसे लो, ठीक है, घी में डिप करो, ठीक है, और ऐसे ऐसे घी में डिप करना है, बढ़िया है, अभी ना मैं इंजॉय करूँगा और बाद में मिलूँगा आपसे। तो भाई साहब फिलहाल सिड्डू हमने खा लिए, तो एक्चुअली लेट हो गया ज़्यादा, और अभी क्या है कि वीडियो भी एडिट करनी है, तो चलिए फिर एडिटिंग पे बैठते हैं और मिलते हैं आपसे कल। हाँ जी, हाँ जी, जी क्या बोलना चाहेंगे? कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं यार। अच्छा, कमेंट्स प्यार दे रहे हूँ। क्या बात है, तो भाई आज वाली वीडियो पे काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है, बस इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। नाक बन, खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि